आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अपने को गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। क्या होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे के अंदर एंटर करेगी, ये हमारा है मीडियम वन और यहाँ पर है मीडियम टू, यानी एक माध्यम से दूसरे के अंदर। यहाँ पर ये हमारा मीडियम है रेयर और ये है डेंसर, विरल और सघन, और ये दोनों हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर करेगी तो उसके पाथ में यानी उसके पथ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, और दोबारा जब वो सेम मीडियम के अंदर जाएगी तो उसी पाथ में चलने लगेगी। अब कोई भी जो रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरण है, वो अपने पथ से कितना बेंट होती है यानी कितना विचलित होगी, उसको जो मेजर करेगा वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। यानी जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होती है, इसकी जो दर को मापेगा वो है हमारा अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम बात करें वैक्यूम की, निर्वात, जहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो स्पीड ऑफ लाइट जो एयर है बाय में जो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी एयर से ये हमारा जो मीडियम है यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, इससे किसी भी मीडियम के अंदर जब भी एंटर करेगी तो उसके पाथ में जो चेंज आएगा उसको जो मेजर करेगा वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। हम कुछ मटेरियल्स के यानी कुछ पदार्थों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। एयर जो है हमारी वायु, उसका है 1.0003। उसके बाद आइस जो बर्फ़ है उसका है 1.31। वाटर जल, इसका है 1.33। एल्कोहल 1.36। कैरोसिन का है 1.44 और डायमंड का है हीरा जो है आपका 2.42। तो देखिए इनकी जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुई है, यानी ये जो मीडियम है दूसरे के कंपैरिजन में एयर जो है आइस के कंपैरिजन में लेस डेंस है, क्योंकि जो पार्टिकल हैं इसके वो काफ़ी क्लोज हैं, इसके पार्टिकल काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम रहेगी इसके कंपैरिजन में। उसके बाद वाटर है, इसकी जो स्पीड है लाइट इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम रहेगी, फिर यहाँ पर कम, फिर उससे यहाँ पर कम और सबसे कम यहाँ पर। यानी जितना ज़्यादा मीडियम रेयर होगा डेंसर सघन, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके अंदर कम होती जाएगी। अब हमें एक ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन दिया गया है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी अपवर्तनांक जो है उसकी वैल्यू गिवन है 1.50। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी ग्लास के अंदर हमें स्पीड ऑफ जो लाइट है वो पता करनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या जो वैक्यूम है निर्वात, उसके अंदर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, अगर हमारा मीडियम यहाँ पर ग्लास है, एन से रिप्रेजेंट करने के नीचे स्मॉल जी ग्लास के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नीचे आ जाएगा
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.50 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें ये फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर होगा 3 × 10⁸ बाय 1.50। इसको यहाँ सोल्व करने पर आएगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ये रहेगी हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास के अंदर। अब हम इसका ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके अंदर गिवन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। हीरा जो है उसका अपवर्तनांक हमें दिया है 2.42। वट डज दिस मीन, यानी इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड वो बराबर किसके होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ से अगर हम डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 2.42 बराबर जो स्पीड ऑफ लाइट एयर है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड के अंदर हम निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, टेन टू टेन टू पावर एट 2.42। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रहेगी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो रेशियो है एयर का और डायमंड का, जो उनके अंदर लाइट की रे है जो ट्रेवल कर रही है वो किस अमाउंट में बेंट हो रही है, यानी उसकी स्पीड कितनी है डायमंड के अंदर, वो हमें यहाँ से मिलेगी। अब हम जो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस द्वारा जो अपवर्तन है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो दो टाइप के हमारे लेंस हैं कन्वेक्स और कनकेव, उनके बारे में हम देखते हैं। कन्वेक्स जो लेंस है हमारा ये कुछ इस टाइप का होगा, इसमें जो इसकी एज है वो यहाँ से रहेगा थिन और जो इसका सेंटर है वहाँ से रहेगा थिक, यानी किनारों से पतला और बीच में से मोटा। तो इसकी जो स्फेरिकल सरफेस है यानी आगे से यहाँ से एक स्फीयर बन सकता है और इस साइड से भी एक स्फीयर जो है ये इसका एक पार्ट है। ए लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर जो मुड़ी हुई है, सच ए लेंस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहेंगे, एक कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इस पर गिरती है। हम देखते हैं कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, इसमें क्या होती है जो स्फेरिकल सरफेस है वो कर्व्ड होती है इनवर्ड यानी अंदर की ओर मुड़ी हुई होंगी। ये भी इसमें दो जो स्फेरिकल सरफेस हैं इनका पार्ट रहेगा ऐसे, और इसको डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर जो भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगी वो उनको बाहर की ओर फैलाएगा। अब हम कन्वेक्स लेंस और जो कनकेव लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म है उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशी केंद्र, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेंट्रल पॉइंट रहेगा हमारा लेंस का, यानी एम एन हमारे पास कोई लेंस है उसका केंद्र बिंदु जो है वो रहेगा।
ऐसा ही कॉनकेव लेंस अवतल लेंस के केस में जो ओ है ऑप्टिकल सेंटर, इसका सेंट्रल पॉइंट रहेगा। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। इसके दो फोकस हैं हमारे पास, F1 और F2, क्योंकि हमारे पास जो लेंस है वो है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक पारदर्शी माध्यम है, इसमें ऑब्जेक्ट हम इस साइड भी रख सकते हैं और इस साइड भी रख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास रहेंगे F1 और F2 जो है दो प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। उसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की। इसको C1 और C2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है वक्रता केंद्र वो कहीं भी हो सकता है। ये क्या रहेगा, जो स्फीयर है जिसका ये पार्ट है उसका सेंट्रल पॉइंट यानी केंद्र बिंदु। उसके बाद बात करते हैं फोकल लेंथ की यानी फोकस दूरी की। ये क्या होती है, जो हमारा पहले हमने जो मिरर पढ़ा था उस केस में हमारे पास था पोल, अब हमारे पास है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशी केंद्र जो लेंस का केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो लेंथ है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ऐसा इस केस में भी होगा कि ऑप्टिकल सेंटर और जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच की जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ असेंशियल पॉइंट्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि लेंस में हम उनका यूज कैसे करेंगे। तो हमने पहले मिरर में देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी जो रे आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पर मिलती थी। अब ये है हमारा लेंस, कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, इसके अंदर होगा रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आएगी यहाँ से आने के बाद इसका होगा रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अब इसकी जो सरफेस है वो है कन्वर्जिंग अभिसारी, तो ये अंदर की ओर इसको बेंड करेगा और जहाँ पर ये रे मिलेगी उसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। अब बात करें कनकेव लेंस की यानी जो अवतल लेंस है उसके अंदर क्या है, ये है डाइवर्जिंग लेंस हमारा यानी अपसारी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रे आई वो इसको रिफ्रैक्शन के बाद बाहर की ओर जाएगा और ये उसके बाद पीछे इमेजनरी जो लाइन है इस पॉइंट पे यानी जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है उस पर मिलती हुई दिखाई देगी। अब जो इमेज फॉर्मेशन का जो सेकंड पॉइंट है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से वो देखते हैं कि पहला हमने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आई वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हुई। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर रे जो है वो पहले से ही प्रिंसिपल फोकस से पास हो तो उसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद जो रे है वो बेंट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समानांतर। उसके बाद कनकेव लेंस में भी ऐसा ही होगा कि जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी अब इस पॉइंट से लाएं तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इमेजनरी जो पॉइंट है वो F2 है हमारा यानी प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर ये मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम इमेज फॉर्मेशन का जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है यानी प्रकाशिक केंद्र जो है उससे कोई भी जो रे ऑफ लाइट है जब भी पास होगी तो उसका पाथ अनचेंज रहेगा यानी वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। अब ऐसा ही कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस जो है इसके केस में ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाएगी उसका पाथ क्या रहेगा, बिल्कुल अनचेंज रहेगा, वो बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाएगी। अब हम जो इमेज फॉर्मेशन है वो एक कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस द्वारा कैसी होती है वो देखते हैं। इसका जो फर्स्ट केस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा
उसकी जो पोजीशन है वो है एट इन्फिनिटी, अनंत पर। इन्फिनिटी पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य एक्स है, इसके पैरेलल यानी इसके समानांतर रे आई, और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बाद, इस केस में अपवर्तन होगा रिफ्रैक्शन, ये जाएंगी बाहर की ओर क्योंकि ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। उसके बाद इमेजरी लाइन जो है वो पीछे आकर मिलेंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रे है वो कहाँ पर मिलती है, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस के ऊपर। तो यहाँ पर F1 जो है हमारा, वहाँ पर इमेज बनेगी, तो पोजीशन क्या रहेगी, एट F1 या फोकस। अब साइज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज का साइज वो काफ़ी छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज यानी काफ़ी छोटा, बिल्कुल एक बिंदु के आकार का जो प्रतिबिंब है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। उसके बाद नेचर, प्रकृति, वो कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वास्तविक व सीधा। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस जो इमेज बन रही है, उसका जो सेकंड केस है, उसमें हमने ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ली है, यानी पोजीशन रहेगी बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, यानी अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, प्रकाशी केंद्र के बीच में। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया है ए बी, सबसे पहले जो रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पर मिलेगी, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस पर। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र जो है हमारा, उससे एक जो रे है वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ये दोनों रे जिस पॉइंट पर मिलेगी वो रहेगा हमारा F1 और O के बीच में। तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, तो पोजिशन ऑफ इमेज रहेगी O एंड F1। उसके बाद जो साइज है इसका वो रहेगा छोटा यानी डिमिनिश्ड, नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको किसी भी सेक्शन के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।